हेलो फ्रेंड, अगर आप भी सीखना चाहते हैं स्टेटस वीडियो एडिटिंग तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम बनाते हैं हर तरह के स्टेटस वीडियो, हर तरह के वीडियो हम आपको बनाना सिखा देंगे। तो अभी गणेश चतुर्थी आने वाली, इसलिए हमने इस वीडियो में गणपति बप्पा के ऊपर वीडियो बनाई है। जो भी आप भी सीख जाओगे अगर आप एक ही बार में वीडियो देख लोगे तो ये बेसिक चीज़ें। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कमाल की ट्रिक्स भी बताऊंगा काइन मास्टर के ऊपर। जो जी हाँ, अगर आप वीडियो पूरी देख लेते तो आप आसानी से वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे। तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको काइन मास्टर ऐप्स की और कुछ गणपति बप्पा के फ़ोटोज़ की। तो जैसे आप आपका काइन मास्टर ऐप ओपन करो, आपको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर से स्क्रीन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और आपको पहले से बैकग्राउंड और गणपति बप्पा के कुछ फ़ोटो आपको डाउनलोड कर रखना है, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ से जाकर मेरा बैकग्राउंड सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला बैकग्राउंड जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसके लिए तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे 30 सेकंड के लिए क्रॉप कर लेता हूँ। इस तरह से आपको इस पर क्लिक करके इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करना नहीं आते तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको आपकी लिंक आपको लिंक उसकी सेंड कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर इससे के बाद जो कि लेयर पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको जो भी फ़ोटो आपने गणपति बप्पा की डाउनलोड करी वो आपको यहाँ पर सेट कर देनी है। तो मैं ये वाली फ़ोटो है जो कि मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। इस तरह से फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। इस पर क्लिक करना है, इसको छोटा कैसे करना है आपको आपके हाथों से इस तरह से, और इस पर क्लिक करके आपको इस तरह छोटा कर लेना। उसके बाद आपको इस फोटो को इसमें सेट कर देना है बिल्कुल से। देख सकते हैं हमारी फ़ोटो तो बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको गणपति बप्पा के फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे वाला ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि हमारा बिल्कुल इफेक्ट बढ़िया पड़ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से गणपति बप्पा के फ़ोटो पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो डुप्लीकेट तैयार हमने किया उस पर आपको क्लिक करना है और कलर फिल्टर में जाके आपको ये वाला फिल्टर यहाँ पर ऑन कर लेना है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर आपको कलर एडजस्टमेंट में जाना और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। इस तरह से करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लोशन में जाके आपको यहाँ पर फ्लिकर, यहाँ पर ब्लिंक शो आपको यहाँ से नहीं तो आप फ्लिकर ही ऑन कर लीजिए जो आपको पसंद आए इन दोनों में से, और इसे आपको लास्ट तक फिल कर देना इस तरह से। इस तरह से फील करने के बाद आपको मैं बताता हूँ इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसके बाद इसका साउंड में यहाँ से बंद कर देता हूँ। और उसके बाद आपको करना क्या, उसके बाद आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाके ओवरले पर जाना है और आपको यहाँ से ये ओवरले को डाउनलोड कर रखना है। आपको गेट मोड पर जाके ये ओवरले डाउनलोड कर रखना है पहले से ही। तो मैं यहाँ से कुछ ओवरले यहाँ पर सेट कर दूँगा। जी ये वाली ओवरले में यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट करता हूँ एक साइड से। ये देख सकते हैं इस तरह से, और इस पर क्लिक करके मैं इसके और एक तैयार कर लेता हूँ और उसे इस वाले साइड पे सेट कर देता हूँ। जी देख सकते हैं, और इन दोनों को मैं लास्ट तक फील कर लेता हूँ इस तरह से। और उसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको लेयर पे क्लिक करना है और आपको जो भी सॉन्ग है आपको फीडबैक पर जाके डाउनलोड कर रखना है। ग्रीन स्क्रीन में गणपति बप्पा ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग आपको मिल जाएगा आसानी से, आप सर्च करोगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट में बताइए, इंस्टाग्राम पे हम उसको आपकी लिंक सेंड कर देंगे। तो मैं यहाँ से वो वाला सॉन्ग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी ये वाला सॉन्ग है, उसको मैं फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ। और उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रोमा की पर इनेबल कर लेना है इस तरह से।
तो इस तरह से इतना ही होने के बाद आपको कुछ और मैं चीज़ें बताऊँगा, उस पर आपको और लेबर क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स है वो मैं आपको अच्छे वाले इफेक्ट या इसमें आपको ये वाला इफेक्ट ऑन कर लेना है। और इसको थोड़ा इसका आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा कम कर देना है और इसको लास्ट क्लिक कर चले जाना है। और इस तरह से हमारी वीडियो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक करके यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।